गुप्ता मैं। आपको आज देख के तो लग ही रहा होगा कि मैं एक पार्टी के लिए तैयार हूँ। और ये मेकअप लुक जो है नाइट आउट के लिए यूज किया जा सकता है और छोटे मोटे पार्टी ओकेजन के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूरा सेटअप कर रखा अपने मेकअप का आपके लिए ही। सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर लिया है। और आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं अपने स्किन पे। नाउ मैंने यहाँ पे मैक का कंसीलर ले लिया है, इसे मैं ब्रश के थ्रू अप्लाई करने जा रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स के नीचे। आप चाहे तो कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। नाउ देखिए मेरे से ना ब्रश से ना अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या किया ना अपनी फिंगर का यूज़ किया। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग फिंगर से ही तो मेकअप करते थे और फिंगर भी बहुत अच्छा ब्लेंडर होता है। देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया अपनी आईज़ के नीचे। अब देखिए कितनी अच्छे से अप्लाई हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपके स्पॉट्स हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी लिप्स के पास भी मैं अप्लाई करूँगी। ये देखिए इसको कम्प्लीटली आपको पूरा फिल कर लेना, ब्लैक स्पॉट आपके पूरे हाइड हो जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने दो फाउंडेशन को मिक्स किया है। पहला मैंने मैक का फाउंडेशन लिया था अपने स्किन के अकॉर्डिंग, और मैंने फिर सेकेंड शुगर का फाउंडेशन मिक्स किया। ये देखिए आप देख सकते हैं, और उन दोनों को मिक्स करके मैंने अपने स्किन में अप्लाई कर दिया है ब्रश के थ्रू। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करूँगी ये स्मच करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विडी ज़्यादा हो गया है ना। और जो भी आपके हाथ में बचा रहे ना तो आप इसको फॉरहेड पे अप्लाई कर लिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना आपको। ये देखिए मैंने स्पंज को पहले से ही अच्छे से धो के तैयार कर लिया था, तो अब मैंने इसको पूरे स्किन में अच्छे से डैप डैप मोशन में ही आपको ब्लेंड करना है अपने फाउंडेशन को। अगर आप खींच खींच के फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छा नहीं आएगा, पैचेस बन जाएंगे आपके स्किन में। डैपिंग मोशन में ही आपको अप्लाई करना है, फॉरहेड पे आप पूरी कम्प्लीटली अप्लाई कर लीजिए। और जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर बचा उसे आप नेक में अप्लाई कर लीजिए। मैंने नेक में अप्लाई करने के लिए दूसरा शुगर का फाउंडेशन का स्टिक यूज़ किया है, बहुत अच्छा स्टिक लॉन्च किया शुगर वालों ने। आप भी लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने नेक के फाउंडेशन को भी पूरा ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि स्किन में जो फेस का जो फाउंडेशन होता है और जो नेक का फाउंडेशन दोनों इक्वली होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने ईयर्स में भी थोड़ा सा जो ब्यूटी ब्लेंडर बचा फाउंडेशन उसको अप्लाई कर लिया अपने ईयर्स पे। नाउ आई एम यूजिंग शुगर का कंसीलर ऑन माय आईलिड्स। हमेशा याद रखिए कि कभी भी आंखों के ऊपर जो भी आई शेडो अप्लाई करें तो उससे पहले अपने आईज़ को लिड को कंसील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को भी पूरी तरह से स्मच कर लूँगी। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देख लीजिए आराम से स्मच करिए। अगर कहीं बाहर भी चला जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, बाद में सब मैनेज हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे शुगर का पाउडर लिया है, डैब 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 डैब, नाउ यू कैन अप्लाई। नाउ मैंने यहाँ पे पाउडर को पूरा अच्छे तरह से स्मच कर दिया। अब मैंने यहाँ पे आईब्रो को सेट करने के लिए, आईब्रो पेंसिल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रश करना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रोज। आप कोई सा भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, आपको बीस से स्टार्ट करना है ब्रो के लिए। अब मैं ब्रो आईब्रो कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो एक अलग से डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को अगर मैं डालती यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता। नाउ कंसीलर की हेल्प से आपको ऊपर क्लीन करना है अपनी ब्रोज को, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे क्लीन करते हो ना तो आपकी आईब्रो बहुत अच्छे से निखर के आती है। मैं पूरा वीडियो आपके लिए बना दूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा ब्रो के लिए अलग से। नाउ यू ब्लेंड योर कंसीलर विद ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ यहाँ पे अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये रिवोल्यूशन का मेरा आई शेडो पैलेट है, सबसे लाइट कलर मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो। अब इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ऑन द सर्कुलर मोशंस विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश।
ब्रश की डिटेल भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज होता है, जहाँ पे बहुत लंबा चलेगा आपको मैंने बताया ये वीडियो। ये देखिए मैं टेप लगाना भूल गई थी, मैंने बाद में अपना टेप लगाया था, आप लोग पहले ही लगा लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब मैंने यहाँ पे दूसरा ब्रश लिया है दूसरे शेड को डालने के लिए, उसी के जस्ट बगल में एक डार्कर ब्राउन कलर है, उसी को जस्ट कट क्रीज में अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चल रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अच्छे से आईज का वीडियो नेक्स्ट टाइम डालूंगी पक्का। तब मैं पूरा आईज का वीडियो बनाऊंगी, अभी क्या है ना कि पूरा फुल मेकअप करने में वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। यहाँ पे देखिए लाइट ग्रीन और डार्कर, मतलब ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है कलर में, इस कलर को मैंने लिया है आईज के ऊपर। नाइट आउट पार्टी है ना, तो उसके लिए थोड़ा इस तरह से कलरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने फिर से ब्राउन कलर लिया, अपने कट क्रीज पे अप्लाई किया। नाउ थोड़ा स्पार्कल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे थोड़ा गोल्डन ग्लिटर से स्पार्कल से अपनी आईज को सेट कर लिया है। नाउ कोई भी आप आईलाइनर ले सकते हैं, आईलाइनर देखिए अप्लाई करने के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी, यहाँ पे ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। आपको आईलाइनर कैसे अप्लाई करना अपनी आईज में ये मैं आपको पूरा बताऊंगी। ये देखिए मैंने दोस्तों आईलाइनर अप्लाई कर लिया अपनी आईज में। यहाँ पे देखिए मेरे से क्या था, ये आईलैशेस लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरा ग्लू काम नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। नाउ मैंने यहाँ पे एल ए प्रोगल का हाइलाइटर लिया है अपने मेन हेड्स एरिया को अप्लाई हाईलाइट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से आप लोगों को भी हाइलाइटर लेके अप्लाई करना है, ताकि ये अच्छे से आपका फेस का जो मेन पार्ट्स है वो निखर के आए। स्किन टोन के से दो शेड डार्कर लेना है। यहाँ पे अब मैंने कॉन्टोरिंग करी है, मैंने शुगर का कॉन्टोर यूज़ किया है, स्टिक कॉन्टोर, आप कोई सा भी कॉन्टोर ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड 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 ब्लेंड। अब मैंने यहाँ पे शुगर का मस्कारा लिया है, आप कोई सा भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं अपने आँखों में, मस्कारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ मैंने जो आई शेडो के ऊपर जो लगाया था ना लाइटर शेड, उसी को आँखों के नीचे भी स्मच करना है ब्रश से। मैंने यहाँ पे शुगर का काजल लिया है, आप लोग कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शुगर का हाइलाइटर लिया है अपनी आँखों के कॉर्नर में लगाने के लिए, जिससे आई थोड़ी इन्हेंस होके आ गया है। अब मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस पे, हमेशा डैप कर लिया करी ब्रश को। अब यहाँ पे मैंने स्प्रे, सेटिंग स्प्रे लिया है हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए, ताकि मेरा हाइलाइटर बहुत अच्छे से फेस में अप्लाई हो जाए। ये देखिए आँखों के ऊपर भी लगा लीजिए हल्का सा हाइलाइटर। नाउ मैंने यहाँ पे शुगर की लिपस्टिक ली है। नाउ दिस इज़ माय फाइनल लुक। सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट मी, कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा। आई एम रेडी फॉर माई बर्थडे पार्टी, बताइएगा आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। देखिए मेरा फाइनल लुक। और दोस्तों अगर मेरा मेकअप लुक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।